ने कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अभी भी काम करने की जरूरत है। ये कहना है नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंतला का। नाबार्ड के अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश को इस बार लोन ज्यादा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सहकारी बैंक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सहकारी क्षेत्र में चुनाव ना होना नुकसानदायक है। बैंकों में प्रशासक की भूमिका होने के कारण रुचि से काम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के और सहकारी समितियों के क्षेत्र में बेहद संभावनाएं हैं। हमसे बात करने के लिए नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंतला जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि मध्य प्रदेश की अभी आप क्या स्थिति देखते हैं कृषि क्षेत्र में, और जैसा कि आपने बताया कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएँ हैं। मध्य प्रदेश का अगर आप देख लिया तो पिछले 10-15 साल में मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, और सोयाबीन हो या फ्रूट्स हो, फल हो, काटन हो, गेहूं हो, सब हो। लेकिन इधर ज़्यादा तरह ये पूरा प्रोडक्ट को ये वैल्यू एडिशन नहीं होता है, प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, और ये सब प्रोडक्ट्स इधर रॉ में बिक रहा है और मे बी वो अन्य राज्य में जाके उधर प्रोसेसिंग होके बाहर जा रहे हैं। आज का दिन क्या हो गया पूरा आप देश के लिए, तो पूरा इंडिया में लास्ट ईयर हमने $40 बिलियन का एग्री एक्सपोर्ट्स कर दिया, और उसमें मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है, लेकिन इसका हिस्सा और भी बढ़ सकता था अगर उसका थोड़ा प्रोसेसिंग करके बेच दिया तो। सर, आप मध्य प्रदेश सरकार को अतिरिक्त लोन भी इस बार दे रहे हैं, सहकारी समिति की क्या स्थिति और मध्य प्रदेश सरकार को कितना लोन आप इस बार ज़्यादा देंगे? क्योंकि लास्ट ईयर हमने 16,500 करोड़ पूरा मध्य प्रदेश में दिया था, उसमें बैंकों का रिफाइनेंस भी है, खासकर कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक, और ये मध्य प्रदेश सरकार का पैसा भी देता है, RIDF का, नीडा का, नाल होती है। इस बार क्योंकि हमारा टारगेट का मुताबिक हम उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 15% भी लास्ट ईयर वाला 15-20% बढ़ा दिया, तो 19,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक मध्य प्रदेश राज्य में नाबार्ड का बिजनेस होने का चांस है। सर, मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों की क्या अभी आप स्थिति देखते हैं और भविष्य में आप क्या संभावनाएं सहकारी क्षेत्र में आप देखते हैं मध्य प्रदेश में? सहकारी क्षेत्र को इधर हमने तो पूरा विशेष रूप से तो पूरा कर दिया, जाँच कर दिया। मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक बड़ा स्ट्रांग है। एक है तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में, इधर एक्चुअली इलेक्टेड बॉडीज ही नहीं है, जनरली कोऑपरेशन का एक है, इससे पीपल्स वन इंस्टीट्यूशन, उसमें एक इलेक्शंस होना है, आई थिंक पिछले 3-4 साल से शायद उसके इलेक्टेड बॉडीज नहीं है, और उसका वजह से, और क्योंकि कोई ना कोई उसके ऊपर मे बी एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, उसका शायद उतना रुचि हो भी ना हो भी सकता है, या मे बी उनका इतना जानकारी भी नहीं हो सकता है, तो उसका वजह से कोऑपरेटिव के इलेक्शंस होना जरूरी है, और फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के मुताबिक CEO का भी अपॉइंट करना जरूरी है। मध्य प्रदेश में खेती को लेकर बेहतर संभावना है और बेहतर खेती में काम हो रहा है, लेकिन जो फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत है मध्य प्रदेश में उसमें ज़रूर कमी है, तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा।